हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं एविडेंस एक्ट के बारे में। सो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है एविडेंस एक्ट की। सो इन दिस वी विल डिस्कस कि एविडेंस लॉ क्यों बनाया गया, एविडेंस लॉ कब आया, क्या कारण थे उस टाइम के एविडेंस लॉ की हमें ज़रूरत पड़ी, ये सारी बात आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो एविडेंस लॉ है ये कब आया। एविडेंस लॉ आया था 1872, जैसा कि बेर एक्ट में भी जो है ईयर मेंशन होता है, तो 1872 में एविडेंस लॉ आया था। एविडेंस लॉ लाने की मेन जो कारण थे उस टाइम, क्यों क्या जरूरत पड़ी कि एविडेंस लॉ की लाने की जरूरत पड़ी, तो अगर हम ये 1872 का अगर हम थोड़ा टाइम याद करें तो ये वो टाइम है जब हमारा इंडिया ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। मतलब इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था इंडिया, ये 1947 से पहले का एक्ट है, 1872 का एक्ट है। तो उस टाइम ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में हमारी कंट्री थी। तो उस टाइम क्या होता था कि जो हमारी कंट्री थी वो रिलीजन में बटी हुई थी, वो कास्ट सिस्टम में बिलीव करती थी और अभी भी कास्ट सिस्टम में बिलीव करती है। लेकिन उस टाइम जो कास्ट सिस्टम था वो सबों की कास्ट के पर्टिकुलर रिलीजन के हमेशा अलग अलग लॉ रहे हैं और अभी भी करंट में लॉ ऐसे हैं जो अलग अलग हैं पर्टिकुलर कास्ट पर्टिकुलर रिलीजन के। तो जब कोई भी ऐसा कोई एक्ट होता था, तो जब सपोज मान लीजिए दो अलग अलग रिलीजन वाले लोगों के बीच में कोई एक्ट होता है, कोई दो अलग अलग रिलीजन वालों के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, तो वो जो डिस्प्यूट अराइज हो रहा है वो कौन से लॉ से गवर्न हो, यहाँ पे ये अनसर्टेनिटी रहती थी। तो इस अनसर्टेनिटी को पूरी करने के लिए एविडेंस लॉ लाया गया। एग्जांपल लेके चलते हैं, सपोज मान लीजिए एक हिंदू पर्सन है, उसकी एक गाय है और उस गाय को कोई एक मुस्लिम पर्सन चुरा लेता है। तो यहाँ पे हिंदू वाला है जब वो कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में बात करेगा और कोर्ट में बोलेगा कि जो ये मेरे गाय चुराई है इस मुस्लिम पर्सन ने, तो मेरे अकॉर्डिंग तो हिंदू लॉ अप्लाई होना चाहिए। और जो मुस्लिम पर्सन है वो बोलेगा कि मेरे अकॉर्डिंग तो मुस्लिम लॉ अप्लाई होना चाहिए। और जो पर्सन जो कोर्ट में जो जज है जो उनकी प्रोसीडिंग करेगा, वो पर्सन लंदन से आया हुआ है और वो ये बोलेगा कि मैं लंदन से आया हुआ हूँ तो मैं ना हिंदू लॉ लगाऊंगा ना मुस्लिम लॉ लगाऊंगा, मैं मेरा लंदन वाला लॉ लगाऊंगा, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिशर के कंट्रोल में था हमारी कंट्री, तो वो लंदन वाले जो लोग होते थे वही जज होते थे, तो वो बोलेगा कि मैं मेरा लॉ लगाऊंगा। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी रहती थी क्योंकि हमारी कंट्री में हमेशा बहुत सारे तरह तरह के रिलीजन रहे, रिलीजन है उन तरह के लोगों को जो रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं, तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी रहती थी। तो इस अनसर्टेनिटी को ख़त्म करने के लिए 1872 में एक एक्ट लाया गया, दैट इज लॉ ऑफ एविडेंस। और लॉ ऑफ एविडेंस में जो बात करी है, जो अगर हम इसका प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो प्रीएम्बल में ये बात करी है कि ये जो एक्ट लाया गया था, ये एक्ट लाया गया टू अमेंड टू कंसोलिडेट एंड टू डिफाइन द लॉ ऑफ एविडेंस, ये इसकी प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। इस पे हम थोड़ा भी देर से जाएंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। एक जस्टिस थे, जस्टिस तो नहीं कहेंगे, एक पर्सन थे, ज्यूरिस्ट बोल सकते हैं, लॉर्ड ब्रॉगम। लॉर्ड ब्रॉगम ने दो टर्म दी थी, एक केस हुआ था उसके जजमेंट में उन्होंने दो टर्म बताई, दैट इज लेक्स फॉरी एंड लेक्स लॉसी। लेक्स फॉरी का मतलब होता है लॉ ऑफ द कोर्ट। ये जो एविडेंस लॉ है, एविडेंस लॉ का जो मेन काम है, ये काम है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कोर्ट रूम के अंदर। जैसे ही कोई पर्सन सपोज मान लीजिए कोर्ट रूम के अंदर एंटर करेगा, तो एंटर करने से ही लॉ ऑफ एविडेंस शुरू होगा, और जैसे ही वो पर्सन कोर्ट रूम से बाहर चले जाएगा तो लॉ ऑफ एविडेंस खत्म हो जाएगा। आप कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में हैं, कहीं घर पे बैठे हैं, तो वहाँ लॉ ऑफ एविडेंस नहीं लग सकता, उसका कोई काम नहीं होगा। तो ये लेक्स फॉरी है, लॉ ऑफ द कोर्ट। तो एविडेंस लॉ इज अ लेक्स फॉरी लॉ ऑफ द कोर्ट, एंड लॉ ऑफ द लैंड इंक्लूड अदर लॉज लाइक कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, अदर एवरी एक्ट, IPC, इंडियन पिनल कोड, ऑल अदर एक्ट्स आर लॉ ऑफ द लैंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दीज आर द लॉ ऑफ द लैंड, दीज आर इंक्लूड। आप किसी भी प्लेस पे हो वर्ल्ड के, इंडिया की टेरिटरी में किसी भी जगह हो, ये सारे लॉ अप्लाई होंगे। लेकिन लॉ ऑफ एविडेंस सिर्फ एक ऐसा लॉ है जो सिर्फ कोर्ट के अंदर ही अप्लाई होगा, कोर्ट के प्रमाइसिस के अंदर ही अप्लाई होगा। प्रमाइसिस के बाहर अगर आप आ जाएंगे तो एविडेंस लॉ अप्लाई नहीं होगा। अब बात आती है कि एविडेंस लॉ, तो जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक कमेटी बनाई गई और कमेटी के जो हेड थे वो B.R. अम्बेडकर थे, तो वैसे ही जब लॉ ऑफ एविडेंस 1872 में बन रहा था तो एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी के जो हेड थे वो थे जेम्स एफ स्टीफन। तो जेम्स एफ स्टीफन वो पर्सन थे जिनको हम बोल सकते हैं जिन्होंने ये लॉ ऑफ एविडेंस जो है ये ड्राफ्ट किया, ही वॉज द चेयरपर्सन ऑफ दैट कमेटी। तो जेम्स एफ स्टीफन जो पर्सन है वो इसको हम बोल सकते हैं जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिन्होंने ये लॉ ऑफ एविडेंस बनाया।
फिर इसमें हम बात करें तो आगे बात आती है कि अब इसकी हम बात करते हैं दो डेट्स जो हैं इसकी कि ये लॉ ऑफ एविडेंस कब एनफोर्स हुआ था और कब इनैक्ट हुआ था। तो 15 मार्च 1872 15 मार्च 1872 को ये जो एक्ट था ये इनैक्ट हो गया था। इनैक्ट होने का मतलब है कि ये एक्ट पूरा एक फॉर्मेट में तैयार हो चुका था कि ये हम एक एक्ट है, ये लॉ है, हम लेके आने वाले हैं। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये फॉर्मेट एक तैयार कर लिया था, जो ड्राफ्ट कमीशन बनाया था, जो जेम्स एफ स्टीफन जिसके हेड थे, उस कमीशन ने एक इनैक्ट कर लिया, मतलब एक फॉर्मेट बना लिया इस एक्ट का 15 मार्च 1872 और ये जो एनफोर्स हुआ था, ये एनफोर्स हुआ था 1 सितंबर 1872। 15 मार्च को बन चुका था लेकिन जो एनफोर्स वाली डेट है वो है 1 सितंबर, 1 सितंबर 1872 को ये एनफोर्स हो गया। अब इसके हम प्रीएम्बल की बात करते हैं। तो प्रीएम्बल में लिखा हुआ है दिस एक्ट वॉज वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट, जहाँ कहीं भी देखा जाए, जहाँ कहीं भी माना जाए, देखा जाए एक्सपीडियंट टू दैट टू कंसॉलिडेट डिफाइन एंड अमेंड, टू कंसॉलिडेट टू डिफाइन अमेंड, ये तीन चीज इसमें बता रखी है कि पहला टू कंसॉलिडेट, कंसॉलिडेट का मतलब है कि जो भी हर रिलीजन के या फिर हर सपोज मान लीजिए क्रिश्चियनिटी वाला लॉ है, मुस्लिम लॉ है, हिंदू लॉ है, तो सब लोगों सारे रिलीजन के लॉज को इकट्ठा करके एक्यूमुलेट करके एक जगह रख के इनको एक कंसॉलिडेट किया। कंसॉलिडेट का मतलब है इकट्ठा करना, तो जितने अदर लॉज थे, जितने रिलेशन में थे एविडेंस लॉ के, उन सबों को इकट्ठा करके कंपाइलेशन किया, दैट इज कंसॉलिडेट। टू अमेंड द लॉ, अमेंड द लॉ का मतलब ये है कि जो प्रोविजंस अब एविडेंस एक्ट में लाए जा रहे हैं उनके कॉन्ट्रेरी अगर कोई भी एक्ट के प्रोविजन जाएंगे तो वो अमेंड किए जाएंगे, वो माने नहीं जाएंगे, वो फोर्स में नहीं रहेंगे। और तीसरा वर्ड है डिफाइन, डिफाइन का मतलब ये है यहाँ पे कि जो डेफिनेशन किसी भी अदर लॉ में डिफाइन नहीं थी या फिर जो डिफाइन करनी चाहिए थी इन फ्यूचर के लिए, जिनको लगा कि ये डिफाइन होनी चाहिए उस एक्ट के लॉ ऑफ एविडेंस के लिए, उन चीज़ों को डिफाइन किया गया। तो टू कंसॉलिडेट, टू अमेंड एंड टू डिफाइन, वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू कंसॉलिडेट, टू अमेंड, टू डिफाइन द लॉ ऑफ एविडेंस। तो लॉ ऑफ एविडेंस को कंसॉलिडेट कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं और अमेंड कर रहे हैं, ये इसकी प्रीएम्बल है। तो इसमें तीन चीज आ गई जो आपको मैं बता चुका हूँ। फिर इसमें अगर हम थोड़ी और हिस्ट्री की और हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हिंदू का अलग लॉ चलता था, मुस्लिम का अलग लॉ चलता था, तो वो दोनों लड़ाई रखते थे कि मेरा लॉ लगना चाहिए। तो मेन चीज़ जो थी वो थी कि अनसर्टेनिटी, टू रिमूव द अनसर्टेनिटी ये लॉ लाया गया। अब हम बात करते हैं, मैं जो सेक्शन वन है अगली वीडियो में बताऊँगा इसका सेक्शन वन, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है, उसको एक्सप्लेन करना उसमें टाइम लगेगा, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सेक्शन वन बताऊँगा। थैंक यू।